मैं आप सभी लोगों से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने प्रधान एसोचैम के अध्यक्ष श्री सुनील कनोरिया जी से निवेदन करूँगा कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फूल देकर के स्वागत करें। कनोरिया सर प्लीज वेलकम द चीफ मिनिस्टर ऑन बिहाफ। मैं उत्तर प्रदेश एसोचैम उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न रीजन डेवलपमेंट के चेयरमैन डॉक्टर ललित खेतान साहब से निवेदन करता हूँ कि वो नितिन अग्रवाल साहब जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एमएसएमई हैं उनका स्वागत करें। ये फ्लैश वाले को हटा दो यार, मैं बड़ा लेके खड़ा हूँ उनसे निवेदन खेतान साहब से आज 17 वर्ष के अंतर्गत वो डबल डिजिट ग्रोथ कर लेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर में हमने ये निश्चय किया कि हम सारे जो हमारे एसोचैम के 26 अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस हैं और 15 राष्ट्रीय ऑफिस हैं उनके माध्यम से पूरे जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके भी 20,000 कम्युनिटी सेंटर्स कॉमन सर्विस सेंटर्स इन 21 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर आवर हेड दैट हाउ इट हैज मेड अ डिफरेंस बाय क्रिएटिंग अ विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर वेयर वी प्रेफर्ड वुमन एंटरप्रेन्योर इन दीस विलेजेस हु ओन एंड ऑपरेट दीस सेंटर्स by for providing not only e-governance but e-commerce and e-learning services. I think this can go a long way if the government can use these centers a lot more to provide all kinds of services which the government and the citizen has to provide, and that can help in generating more employment by these entrepreneurs at the village level, so that the villager does not have to look for jobs coming into the cities and urban towns. So the third area is the tourism. I think UP is one state which is blessed with a variety of tourist attraction catering to Well friends, we all have been waiting to hear the young dynamic Honorable Chief Minister Shri Akhilesh Ji. But before Akhilesh Ji speaks, we have heard so much about his capabilities, what all he has done and how is changing Uttar Pradesh. उस पर मैं अखिलेश जी के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, वही हकदार हैं किनारों की, वही हकदार हैं किनारों के जो बदलते बहाव धारों के, वही हकदार हैं किनारों के जो बदलते बहाव धारों के। कुछ वो भी हैं, कुछ वो भी हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ ये भी हैं जिनसे वक्त के सांचे बदल गए। अखिलेश यादव मंच पर उपस्थित आदरणीय ललित खेतान जी, मंच पर उपस्थित सुनील कनौरिया जी, श्री डी एस रावत जी, विनीत जुत्ता जी, निखिल सानी जी, मनोज गुप्ता जी, हमारे साथ मंत्री नितिन अग्रवाल जी, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी महेश गुप्ता जी, हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में एसोचैम के सभी सदस्यगण, हमारी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं एसोचैम के सभी सदस्यों का और उनके पदाधिकारियों का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के। साथ ही साथ आप सबका मैं स्वागत भी करना चाहता हूँ लखनऊ में, और जब आप लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं माहौल में भी बदलाव आता है, चर्चा बढ़ती है उसकी, और कहीं ना कहीं ये संदेश भी जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, सरकार के अधिकारियों के प्रति भरोसा लोगों में बढ़ा है। तो इसलिए आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने लखनऊ में इस कॉन्फ्रेंस कराने का काम किया, क्योंकि मेरे से पहले सबने बहुत कुछ बोल दिया है और सब कुछ बताया जा चुका है, और जो कमी भी होगी वो हो सकता है कि आप में से कुछ कहना चाहते हो लेकिन नहीं कही, लेकिन हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाए
और मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ सरकार अपने काम कर रही है, अपनी योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन बिना आपके सहयोग के मैं समझता हूँ वो खुशहाली वो तरक्की आना मुश्किल है। और इस चीज को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए जिस समय सरकार बनी ये तय किया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, हमारी पॉलिसीज अच्छी होंगी और कहीं हम पॉजिटिव माहौल दे पाएंगे तो मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पे उद्योगपति आकर के उत्तर प्रदेश में आएंगे और कारोबार बढ़ेगा। और उसी का परिणाम है कि आज हम कह सकते हैं कि डबल डिजिट की हम सोच सकते हैं। एक बार को मान लिया अगर हमने ना काम किया होता, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि मेट्रो की शुरुआत वहां पर हुई है जहां से कोई बच नहीं सकता बिना देखे। कोई अगर एयरपोर्ट से आए और रेलवे स्टेशन पर उतरे, और हमारे दो ही शहर हैं, एक लखनऊ एक कानपुर। लखनऊ से बड़ा कानपुर शहर है, उद्योग के क्षेत्र में लखनऊ कम कानपुर बड़ा नाम है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि जहां पर काम चल रहा है वो इलाका वही है, और जैसे जैसे तरक्की हुई है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वो देखने को मिला है। मेट्रो तो एक उदाहरण है केवल एक शहर के लिए है कि जहां मेट्रो हम बना रहे। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कितनी जगह हम लोग बना रहे हैं, कई प्रदेश तो ऐसे हैं जो अपनी एक जगह मेट्रो नहीं बना पाए और शुरू नहीं कर पाए। शुरू भी किया होगा तो थोड़ा बहुत गड्ढा खोद दिया होगा पाइलिंग के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ अभी पाइलिंग भी उस पैमाने पे नहीं शुरू हो पाई जिस पैमाने पे हो जानी चाहिए। वही उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश नोएडा में बड़ा बना रहा है, गाजियाबाद में बना रहा है, लखनऊ में बना रहा है, कानपुर में हम लोग शुरू कर देंगे और सब कुछ अच्छा रहा तो प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उत्तर प्रदेश की सरकार मेट्रो बनाने का काम शुरू कर देगी। इससे बड़ा काम और क्या है। मैं समझता हूं जो सहयोग हमें मिल सकता था सहयोग मिला है, और अगर सहयोग नहीं भी मिला तब भी हम लोगों ने काम रोका नहीं और उसको तेजी से बढ़ाया। ये जो सामने चीजें दिखाई दे रही है यही परिवर्तन लाएंगे, इसी से बिजनेस बढ़ेगा, यही है जो हमारी छवि बदल देगा। एक्सप्रेसवे जब मैं बनाना शुरू कर रहा था उस समय बहुत सारी चीजें थी, उस समय जिस तरह का बाजार था, आज से 2 साल पहले कोई बैंक अलाउ नहीं कर रही थी जितने भी देश की पीपीपी पे सड़कें थी, बीओटी पे जो सड़कें थी वो सब बंद हो चुकी थी, कहीं चल नहीं पा रहा था। और आज शायद वो मॉडल देश के सामने मैं समझता हूँ असफल से दिखाई दे रहा है। पीपीपी और बीओटी की सड़कें नहीं बन पा रही थी, टोल वाली मामला नहीं बन रहा है। और उस समय कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय रिस्क ली और ये फैसला लिया कि हमें अगर उस तरह नहीं जा सकते हैं तो हम अपने बजट से अपने संसाधनों से सड़क को बनाएंगे। और उस समय के फैसले का परिणाम ये है कि हम कह सकते हैं कि देश में इतना बड़ा एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल किसी प्रदेश में नहीं बन रहा होगा जहां उत्तर प्रदेश में बन रहा है, लखनऊ से लेकर के आगरा, जो कि नेशनल कैपिटल को स्टेट कैपिटल से जोड़ने का काम है। और उसके लैंड एक्विजिशन जहां देश में बहस हो रही थी कि जमीन चाहिए ऐसे लेंगे वैसे लेंगे, ये कानून बनाए हम लोगों ने अपने प्रयासों से आम सहमति पर जमीन लेकर के इतने बड़े पैमाने पर लैंड एक्विजिशन करके भी दिखाया और कहीं भी किसानों से एक आंदोलन नहीं होने दिया। ये बात यही नहीं रुक रही हमारी, हम इस हाईवे को केवल नहीं रोक, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और लखनऊ से हम इसको आगे ले जाने गाजीपुर तक। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हाईवे जो लखनऊ तक बन जाएगा वो आगे जाकर के गाजीपुर पे ही रुकेगा जाकर। अगर हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा और बढ़ जाए तो कहो हम बिहार में ही लेते सकते हैं इसको, लेकिन हमारी सीमा सीमित है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। इसलिए एक्सप्रेस वे हमारा उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंच जाएगा। तो इतना बड़े और इसके आसपास जिसको जो बनाना हो, क्योंकि ये केवल अर्बनाइजेशन को नहीं रोक रहा है, वहीं हमारे किसानों को लाभ दे। इस हाईवे के किनारे में मंडी बना रहे, आज पूरे देश में जरूरत है कि आलू मिल जाए, बाजार में आलू की कीमत ठीक हो। आलू सबसे ज्यादा पैदा अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और इसके आसपास दूध का है, दूध का बता ही दिया,
लोग बेवजह चिल्लाते हैं कि हम सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन गुजरात में हो रहा है, सही मायने में तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन है और ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तीन तो अमूल के आ रहे हैं, अमूल कोई हमारे लिए इसलिए नहीं आ रहा कि हम कारोबार करना चाहते हैं, वो अमूल जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश छूट जाएगा तो वो देश का बाजार बड़ा बाजार है। अरे यार ये इतना बड़ा, अरे ये आदमी पढ़ा हो यार, कौन है आदमी, इसका प्लेस तो उसको ऊपर वाला नहीं ले आजा भाई, हो गई फोटो, इसका जो है आजा इसका निकाल दिया करो, प्लस जो है लगाएगा बारी का सही जाती।